खबर जनपद चमोली से है, जहां डुमक गांव के ग्रामीण जन बीते 1 अगस्त से सड़क मार्ग की मांग को लेकर गांव में क्रमिक उपवास कर रहे हैं। इसके तहत ही ग्रामीणों द्वारा सड़क की मांग को लेकर 24वें दिन भी क्रमिक उपवास धरना जारी रहा। दरअसल पीएमजीएसवाई के मुख्य इंजीनियर से ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही मांग पर यदि कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। मैं पूजा देवी, वन पंचायत सरपंच। आज धरना प्रदर्शन का 24वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन से हमेशा झूठे वादे ही आ रहे हैं। आज हमने आरपी सिंह चीफ इंजीनियर का पुतला दहन किया है, जिससे जनता और भी आक्रोश में आकर के इस आंदोलन के बाध्य हो चुके हैं। खबर जनपद पौड़ी से है, जहां युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ खास आक्रोश दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आज स्थानीय लोगों ने एसएसपी लोकेश्वर सिंह से इस विषय को लेकर खास मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम दिखाई दे रहा है। यहाँ के युवाओं को आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, जिसकी धरपकड़ पुलिस नहीं कर पा रही है। वहीं पूरे मामले में एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। देखिए, हमारे पास जब भी कोई शिकायत आती है या फिर कोई पब्लिक की तरफ से हमारे पास ये सूचनाएं आती है कि जहाँ पे भी नशे का सेवन हो रहा है, कई युवा जो हैं इसमें जुड़ रहे हैं, तो हमारी तरफ से देखो निरंतर कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, हमारे अभी जिले में ही वर्ष भर में 30 से ज़्यादा मुकदमे हो गए हैं, और जो हमारे कई रैकेट बनाकर कार्य कर रहे थे, हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और कई जो बाहर के सप्लायर थे, जो बरेली से या बिजनौर से यहाँ सप्लाई भी करते थे, उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। साथ ही साथ हम लोगों ने कई जगह पे ऐसे भी बच्चों को चिन्हित किया था जो कि नशे की प्रवृत्ति में लिप्त थे, उनको भी हम लोगों ने काउंसलिंग करवाई गई है। और हम लोग हर हफ्ते जो है 2 संस्थानों में जाके बच्चों की और खासकर युवाओं की हम लोग काउंसलिंग करते हैं। हम ड्रग्स डी एडिक्शन पे उनको एजुकेट भी करते हैं, और जहाँ पे भी हमारे पास जनता की जो भी इनपुट आएंगी और जो हमारे पास इनपुट आती भी हैं, हम लोग वहाँ पे स्पेशल चेकिंग भी करवाते हैं। और भी हम लोग जनता के साथ और इसमें जो है अपना डायलॉग को और बढ़ाते हुए और कहाँ कहाँ पे उनकी शिकायतें हैं, उनको हम लोग उनकी इनपुट के आधार पर आगे भी कार्रवाई करेंगे।